प्रणाम सर, आप दोनों की वजह से ही आज ये जर्नी पूरी हो पाई है। आप दोनों की वजह से ही मेरा रियूनियन पॉसिबल हुआ, जिसमें मुझे कभी ये विश्वास नहीं था कि ये तो था कि होगा, पर इस तरह से हो जाएगा ये नहीं सोची थी। कुछ सोच ही नहीं पाती थी, बस रोती रहती थी, बस परेशान रहती थी। ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ, आपकी मेहनत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहुत मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं, कैसे बताऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हमेशा हमारे सवाल सुनने के लिए, उनके जवाब ढूंढ कर देने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमें चलना सिखाने के लिए उस रास्ते पे, हमें सोचना सिखाया आपने, हमें बोलना सिखाया, सब कुछ सिखाया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच सर। आपने जो अपने टिप्स दिए थे दो वीडियोस में माँ के, वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल थे। कहते ना, माँ हमेशा अपने आंचल में रख के बच्चों को प्यार से सिखाती रहती है, पर पिता जो सिखा देता है ना थोड़े से शब्दों में, वो कहीं अलग होता है। वो बिल्कुल आपका कहना उसी तरह से था, जैसे आपने चक्रास बताए थे। मैंने जब उसको अपने ऊपर अप्लाई किया, इतना क्विक रिजल्ट आया मेरी थिंकिंग प्रोसेस में, मेरे अंदर जो एक पीस की फीलिंग थी वो सब कुछ उसी वजह से आया। एकदम से चीज़ें चेंज हो गई थी जब मैं आपके बताए तरीके से चक्रास करने लगी थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू, लव यू माँ। आज आपकी वजह से रियूनियन पॉसिबल हुआ। आपने जो अपने वीडियोस, अपने गाइडेड मेडिटेशंस में जो एनर्जीज दी हैं, जितने निस्वार्थ भाव से आप हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हैं, ये उसी का फल है और कुछ नहीं है। हमें तो मेहनत भी आपने कैसे करना है वो बताया है। थैंक यू सो मच माँ, लव यू अलॉट। हेलो ऑल सोल फैमिली, थैंक यू सो मच आप सब की दुआओं के लिए। हम सब एक दूसरे के लिए हमेशा दुआ करते हैं, और मैं जानती हूँ आप सबों की दुआ की वजह से भी उसमें है, जिसकी वजह से ये रियूनियन पॉसिबल हुआ है। थैंक यू आप लोगों को बहुत। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 25 मार्च 2019 को। मेरे डीएम शायद मुझे पहले से जानते थे, एक्चुअली उनका हॉस्पिटल है बच्चों का, तो मैं उसी हॉस्पिटल पे अपने बेटे को लेके जाया करती थी। तो उन्होंने मेरा नंबर रखा हुआ था, वो मुझे देखते थे डीपी में एंड ऑल, पर मुझे कभी पता नहीं होता था क्योंकि बहुत कम जाना आना होता था। लेकिन 25 मार्च 2019 मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार। उसको आईवी करके रखना पड़ा और मुझे इंजेक्शन दिलवाने के लिए सुबह शाम एक हफ्ते तक जाना पड़ता था हॉस्पिटल में। रोज़ उनसे सामना होता था, दिन में दो बार। वो एकदम मतलब कहते ना कि उनका पेशेंस जो वो अपने ऊपर रखे हुए थे वो छूट गया उनका। और उन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझे बोला। जब मैं जाती थी तो मुझे हमेशा ये एहसास होता था, जब सुबह शाम दोनों बार टाइम मैं उनके पास होती थी, मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि इसके मन में, इस इंसान के मन में मेरे लिए कुछ है। और मुझे भी अजीब लगता था, मुझे लगता था कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन एक दिन मैं प्रे की भगवान से, माँ दुर्गा से, कि अगर कुछ है तो सामने ले आइए, और नहीं है तो इसको यहीं पर ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। और कुछ घंटों में मेरे डीएम का मैसेज मेरे मोबाइल पे आ गया था। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की, कि उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मुझे बताया है, मुझे गाइड किया है। हालांकि हमारा फेज बहुत लंबा नहीं चला था, सिर्फ 15 डेज़ का था बस। 12 अप्रैल से चीज़ें धीरे 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 ख़त्म होना शुरू होने लगी। वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहते थे, पर मेरे पास भी नहीं आ पा रहे थे। एक अजीब स्थिति में हम दोनों फंस गए। मैं बार बार पूछती थी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने मुझसे बोला था कि वो मैरिड नहीं है, जबकि वो मैरिड थे।
उनके 3 बच्चे भी हैं, मैं भी मैरिड हूँ, मेरा भी एक बेटा है। मैंने उनसे कुछ नहीं छुपाया था, पर वो चाह के भी सच नहीं बोल पाए थे, उन्हें मुझे खोने से डर लगता था। और अब इसी वजह से, झूठ की वजह से वो धीरे धीरे भागने लगे, क्योंकि सच वो बोल नहीं पा रहे थे और झूठ का बोझ उनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा था। बहुत मुसीबत में थे, पर कहते हैं ना DM लोग बोलते नहीं हैं। ये मुझे उनके बचपन के फ्रेंड कम भाई दोनों मतलब फ्रेंड भी है वो, बेस्ट फ्रेंड है उनका और बिल्कुल भाई की तरह है, वो ये बात मुझसे शेयर किया, तो भी मैंने थोड़ी सी नाराज़गी के बाद उनको माफ़ कर दिया। लेकिन फिर भी वो भागते रहे मुझसे, भागते रहे, और बस जैसे यूनिवर्स ने प्लान किया था चीज़ें होती गई। मैं बार बार कि अब क्या प्रॉब्लम है, तो भी वो नहीं, जैसे भी चल रहा है, ये नहीं चल सकता है, तुम तैयार रहो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि फ़ोन करोगे उठाएंगे नहीं, पता नहीं किस किस तरीके की बातें, ये रिश्ता साइड में है, साइड में ही रहेगा। मुझे बहुत दुख होता था, बहुत। लास्ट में थक गई मैं, रो रो के, पूछ पूछ के, परेशान हो हो के। 2 नवंबर 2019 को मैंने फ़ोन करना उनको बंद कर दिया, उनसे सारे कनेक्शंस मैंने तोड़ लिए कि जाओ अब जो होगा भगवान करेंगे। मैं बिहार से हूँ, 2 नवंबर को हमारे यहाँ 2019 में उस दिन छठ पूजा थी, बस भगवान सूर्य को सब कुछ अर्पित करके और बस खामोश हो गई। हाँ, रोती थी, चुप रहती थी, पत्थर की तरह हो गई थी, बस भगवान के पास जा जाके कि क्यों मेरे, किस गलती, किस गुनाह की सज़ा है ये, भगवान माफ़ कर दो। कहते हैं ना, माफ़ी से बड़ा प्रार्थना कोई नहीं होता है। आप बस माफ़ी मांगिए, सिर्फ मैं माफ़ी मांगी हूँ इस पूरी जर्नी में और कुछ नहीं की हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी हूँ और उनसे उनका प्रोटेक्शन मांगी हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ कहती थी कि भगवान मेरे गुनाह बख्श दो और उनको, उनकी आत्मा को साफ कीजिए, परत हटाइए कि वो सच्चाई को देखें, उन्हें हिम्मत दीजिए कि वो उसके लिए एक्शन ले और अपने असल कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझ सकें वो। बहुत, बस यही, इतना ही कहती थी। और कहते हैं ना कि टेस्ट आते रहते हैं, बहुत आए, बहुत ज़्यादा आए, लेकिन हर टेस्ट और ट्रिगर में मैंने एक ही चीज़ देखी कि सच पूछिए तो कोई और टेस्ट होता ही नहीं है सिवाय इसके कि आपका एक ही टेस्ट होता है कि आपके भगवान पर आपका कितना विश्वास है। लोग आपको कुछ कह रहे हैं, आपको अपने भगवान पर कितना विश्वास है, आपका DM आपको कुछ कह रहा है, आपको अपने भगवान पर कितना विश्वास है। एक फेथ के अलावा कोई और टेस्ट होता ही नहीं है एक्चुअली में, इस जर्नी में सिर्फ हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। और बस मैं इसी तरह से परेशान होती थी, कुछ नहीं, आसमान की तरफ देख करके बस मैं बात करती थी कि क्या कह रहे हैं भगवान, अपनी हर बात, हर प्रॉब्लम उनसे मैं शेयर करती थी, सारी प्रॉब्लम्स, सब कुछ मैंने उनसे शेयर किया। खूब रोती थी, सारी बातें आसमान की तरफ देख के करती रहती थी, वो सुनते थे, वो जवाब देते थे। हाँ, कई बार जवाब आने में वक्त लगा, पर एक्चुअली क्या है ना, भगवान भी देख रहा होता है कि हमारे पूछने का कोई मकसद है, हम उस बात पे, उस रास्ते पे टिकेंगे या फिर से हट जाएंगे हम, इसलिए वो थोड़ा टाइम लेते हैं कभी कभी आंसर करने में, पर वो हमेशा आंसर करते हैं। और मैंने अपने सारे इश्यूज़ को भी इसी तरीके से उनको सरेंडर किया है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, कैसे करूँगी, आप कर दो, मेरी मदद करो, मुझे कुछ नहीं पता, बस यही सोचती रहती थी और उनसे कहती रहती थी। सारे इश्यूज़ भी उन्होंने वैसे ही हील किए मेरे। और एक बार सच पूछिए तो भगवान पे विश्वास हो जाता है ना, तो सारे इश्यूज़ भी हील हो जाते हैं, वो विश्वास ही सब कुछ कर देता है। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बार बार यही कहती थी कि इतना इनर वर्क कर रही हूँ, मेरे सामने टैरो का तो नहीं, मैं टैरो कभी नहीं देखी, बस 1-2 कैप्रिकॉन लव साइन की रीडिंग्स देखी थी, 2 वो भी,
मैंने उसको भी फिर छोड़ दिया, क्योंकि मैं बचपन से ही, मेरा एक नेचर है कि मैं बहलने वाली चीज़ों से नहीं, मुझे पसंद नहीं है बहला देने वाली चीज़ें। जो चीज़ रियलिटी में मुझे दिखाई देगी उसे ही मैं मानूंगी, बाकी किसी चीज़ के लेवल पर वो क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोज़ आई पर वो मुझसे अप्लाई हो नहीं पाती थी। कोशिश मैं करती थी पर मैं कर नहीं पाती थी उनको, तो वो भी नहीं कर पाई। फिर ट्विन फ्लेम्स की वीडियोज़ आई अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2020। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि ये ऐसा भी कुछ होता है। और बस उसके बाद मैं जिस चैनल का वो वीडियो था, मैं वहाँ से उनका इनर वर्क प्रोग्राम ली, ले तो ली इनर वर्क प्रोग्राम, किया भी, 50,000 रुपये पानी में चले गए, कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत ज़्यादा, फिर वो लोग कहने लगे कि आप एडवांस कोर्स कीजिए, धीरे धीरे होगा, कुछ नहीं हुआ। मैंने उस वहाँ से कुछ लड़कियों से बातें की जिन्होंने सारे कोर्सेस कर लिए थे लाखों रुपए लगा के। मैंने कहा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना, मैं छोड़ दी। मैं बहुत यूनिवर्स से हेल्प मांगी कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। तब माँ मिली मुझे, माँ मुझे मिली, और फिर उसके बाद मैं सिर्फ माँ को फॉलो की। अगस्त 2020 में मैं माँ से फर्स्ट बारी सेशन ली और माँ माँ से हर चीज़ शेयर की। माँ ने कहा कि आप इनर वर्क कीजिए, उन्होंने अपने 11 इनर वर्क दिए। मैं अच्छी तरह से, जैसे जैसे माँ की, माँ से फॉलोअप सेशंस भी लेती थी, ऐसे कर रही हूँ, ऐसे नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, माँ सब गाइड करती गई, मैं करती गई, बहुत अच्छे से करती गई। लेकिन फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था चेंज, ना अपने अंदर, ना DM के अंदर। एक दो बार ही दोस्तों के नंबर से उन्होंने कॉल किया भी इस बीच, तो अजीब सा ही बस, है ना, हल्के फुल्के में बात करके टाल देने वाला। मैं बहुत रोती थी उसके बाद। माँ बोलती थी कि अपना रिस्पेक्ट कराना सीखो ना, तुम ऐसे क्यों बात करती हो कि जैसे वो भगवान है तुम्हारे लिए, शांत रहो, इतना अधिक नहीं वो हो, ऑब्सेशन मत दिखाओ, शांत होके बात करो ना, जिसे एक हद तक खो ही दी हो उसे अब क्या खोगी। माँ बिल्कुल अच्छे से समझा समझा के बात कैसे करना है, कैसे चलना है, सब सिखाती थी माँ। फिर भी कोई नहीं, 15 दिसंबर 2020 को मैं बुरी तरह से रो रही थी। 14 को सूर्य ग्रहण भी लगा था उस टाइम पे। मैं बहुत रोई, मैंने कहा मैं ट्विन जर्नी में हूँ भी कि नहीं, यूनिवर्स से पूछी आसमान की तरफ देख के, चीख चीख के रो रही थी मैं। मैंने कहा मैं ट्विन जर्नी में हूँ भी कि नहीं, वो ही बंदा मेरा ट्विन है भी या नहीं, मुझे आपसे जानना है, सिर्फ आपसे, मतलब एकदम जिद से बोली थी। और यकीन मानिए यूनिवर्स आंसर करते हैं। माँ की ही एक पुरानी चैनलिंग की वीडियो उस दिन मेरे सामने आ गई, बिल्कुल फर्स्ट वो वीडियो ही थी। मैंने उसको ऑन किया, उसमें माँ यही कह रही थी कि बहुत सी DFs शक कर रही हैं कि वो बंदा उनका ट्विन है या नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर उससे आपकी अवेकनिंग हुई है तो वो ही आपका ट्विन है। और ऐसा लगा जैसे वो माँ के रूप में यूनिवर्स ही बोल रहे थे। उस दिन के बाद फॉल्स ट्विन फ्लेम या फिर अदर चीज़ों को का वर्ड सुन के भी मुझे कभी शक नहीं होता था कि हाँ, उस दिन से सब ठीक हो गया। उस दिन से साइलेंटली अपना इनर वर्क शुरू की ढंग से, उसके पहले भी कर रही थी पर उस दिन के बाद से सवाल ख़त्म हो गए, बस करती जाती थी। बस कभी कभी ये लगता था कि कुछ हो रहा है कि नहीं उधर, कुछ हो रहा है कि नहीं उधर, लेकिन उससे क्या फ़ायदा था। 2 दिन पहले DM की फ़ोन आई, उन्होंने मुझसे बात किया, पर वैसे ही दूसरों के नंबर से हंसी मजाक में उड़ा के, जैसे पता नहीं कितना हल्का सा ये रिश्ता हो जिसको ऐसे ही बस टाइम पास की तरह बात करके। माँ को भी बताई, माँ भी बोली कि नहीं, एकदम शांत रहो, कुछ भी ये सब नहीं करना है तुम्हें, अपनी इज्जत अपनी रिस्पेक्ट करवानी होगी, तुम बस चुपचाप अपने इनर वर्क पे फोकस रहो, कुछ नहीं करना है तुम्हें। एंड कल रात को फिर मेरे DM का फ़ोन आया। उनका फ़ोन आने के पहले क्या हुआ वो बताना चाहूँगी। मेरे मन में ये था कि मैं ये सारी चीज़ें अपने DM से कैसे बोलूँ कि वो इस रिश्ते को अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, ना दें, डिसरिस्पेक्ट ना करें दूसरों के नंबर से फ़ोन करके,
चार लड़कों के बीच से इस रिश्ते को सरेआम करके। मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं यूनिवर्स के नाम से लेटर लिखने बैठ गई। मैंने लेटर लिखना शुरू किया यूनिवर्स के नाम से, अपने डीएम को लेटर लिखी, मैं सारी बातें उसमें लिख दी। फ्रेंड्स, लास्ट लाइन जब मैं लिख रही थी, मेरे डीएम का फिर से कॉल आ गया, उनके फ्रेंड के नंबर से ही। तो मैंने वो नहीं रिसीव करी, फिर दोबारा कॉल आया, फिर नहीं रिसीव की, फिर दूसरे नंबर से फ़ोन आया। तो मैं उठाई तो उन्होंने बोला कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मतलब इसी तरीके से, मतलब बहस शुरू हो गई। मैंने कहा क्यों, आपके पास अपना नंबर है ना, आप अपने नंबर से कॉल कर सकते हैं ना, मैं अनजान नंबर क्यों रात में उठाऊं। तो बोले कि तुमको पता है कि तुम्हें कोई और तब तक फ़ोन नहीं कर सकता है जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगी, आप अपने नंबर से क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत बुरी तरह से, जो कहते हैं ना लड़ाई कहना या हॉट टॉक, शुरू हो गया मेरा, मेरे डीएम का और वो फ्रेंड जो हम दोनों के लिए फ्रेंड भी है और भाई भी है। उसने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते के लिए, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास, हम दोनों के पास उसके जैसा इंसान है। हमारा रिश्ते के लिए उसने अपना बहुत सफ़र किया है, वो भी बहुत टाइम दिया है हम दोनों को साथ लाने के लिए वो। और फिर बस बहुत बहस हुई, बहुत लड़ाई के हद तक चला गया। मतलब अपनी बात वो आराम से तो कह नहीं पा रहे थे, तो वो गुस्से में कह रहे थे, रो रहे थे, मैं भी रोने लग गई। उनका फ्रेंड भाई जो है दोस्त, वो भी रोने लग गया, बोला तुमसे बहुत प्यार करता है लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। मैंने कहा हाँ, मजबूरियां बस आप लोगों की हैं, हमारी कोई मजबूरी थोड़ी है। बहुत रोना धोना हुआ, लास्टली फिर एक्सेप्ट करना पड़ा। मैंने कहा कि मुझे वो मजबूरी जाननी है, क्या मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करती थी कि जिस रिश्ते में हम दोनों थे उसके लिए आप अकेले फैसला ले लिए। लास्ट में फिर बहुत रोना धोना हुआ, वो तो रोने लग गए, वो कुछ बोल भी नहीं पाए। और लास्ट में उनका फ्रेंड फिर बात किया, वो बोला कि देखो उसके घर पे पता चल गया था तुम्हारी वजह से। हम बोले कि मेरी वजह से कैसे मालूम चल गया। बोले कि खुल के तो नहीं मालूम चला, लेकिन इसको पहली बार प्यार हुआ और इसका हालत ऐसा हो गया कि इसका खाना पीना सब छूट गया, खाना पीना इसको कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसकी नींद ख़त्म हो गई, मतलब सोना जगना सब कुछ अजीब बेहाल जैसा हो गया ये। और 12 साल, अगर आप किसी 12 साल एक औरत जब उनके साथ थी तो आज उसको कैसे शक नहीं होगा कि चीज़ें बदल गई हैं। उनकी वाइफ का फ़ोन इसी फ्रेंड के पास आया कि क्या बात है, कोई लड़की है क्या, कोई है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, अब पहले जैसा कुछ नहीं रह गया। तो ये तुरंत इन्होंने कवर, फ्रेंड ने कवर अप किया, इस फ्रेंड ने, कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप लोगों के अलावा और मेरे अलावा इसका है कौन, कोई नहीं है। पूरी तरह से समझाया, लेकिन फिर भी वाइफ तो वाइफ होती है, समझ में तो आ ही जाता है उसको। वो बहुत परेशान रहने लग गए, फ़ोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने। तो इसी वजह से अब वो चेक रखती है शायद, तो इसीलिए ये शक के घेरे में आ चुके थे, तो इन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया अपने नंबर से मुझे। तो मैंने कहा बात बहुत सिंपल सी थी, ये बात आराम से बताई जा सकती थी, इसके लिए इतना अधिक सीन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो यही हुआ कि हर चीज़ बताए, उन्होंने कहा कि हर चीज़ बोली नहीं जाती है। मैंने कहा बिल्कुल, मतलब इस तरह से हमारी बहुत बातें हुई, बहुत ज़्यादा शिकायतें, वो भी कह रहे थे, मैं भी कह रही थी। फिर लास्टली वो बहुत रोने लगे, फूट फूट के रोए। उन्होंने यही कहा कि सिर्फ तुम ही प्यार करती हो, तुमको लगता है हम नहीं करते हैं, तुम्हारी तरह कह नहीं रहे हैं तो प्यार नहीं करते हैं, बस यही सब बोले जा रहे थे। बोले कि बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तुम हमारे लिए तब भी वही थी, आज भी वही हो और हमेशा इन फ्यूचर भी वही रहोगी। और उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की, हाँ हम लोगों की तरह वो ट्विन फ्रेम जैसा चीज़ नाम तो नहीं जानते हैं, पर उन्होंने कहा कि हमारा ये रिश्ता शरीर के बियॉन्ड है, शरीर से कहीं ऊपर है ये रिश्ता हमारा, हमारा शरीर मर जाएगा लेकिन हमारा प्यार हमेशा रहेगा। और मुझे इसी बात से बहुत सुकून मिला कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए। फिर बस बहुत बातें हुई हमारी थोड़ी देर, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सब कुछ कहा। डीएम बहुत
सच में वो कुछ कहते नहीं हैं, पर वो अंदर से बहुत बहुत तकलीफ़ में होते हैं, है ना। उनको पता ही नहीं होता कि कैसे कहें, क्या कहें, बहुत बहुत ज़्यादा वो टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा वो अंदर से टूटे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं और कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि कहना तो आता ही नहीं है ना। तो बस यही है मेरी जर्नी, और मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि प्यार है ना, ये एक ऐसा चीज़ है जो परमात्मा से जुड़ने का सबसे आसान एक एकमात्र रास्ता यही है। आप भगवान से, प्यार परमात्मा से सिर्फ प्यार के ही जरिए जुड़ सकते हैं। इस पे एक छोटी सी बात याद है मुझे, मैंने पढ़ा था कि महर्षि रमन के पास एक लड़का गया था 21-22 साल का, और उसने कहा था उनसे कि महर्षि आप परमात्मा से मिलवा सकते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे महर्षि रमन का, महर्षि रमणा करके भी उनका काफ़ी कुछ है। तो उसने कहा कि आप मुझे परमात्मा से मिलवा दीजिए। तो महर्षि रमन उससे बोले कि कभी किसी से इश्क हुआ है? तो वो बोला कि जी। तो उन्होंने बोला कभी किसी से इश्क हुआ, किसी लड़की से? कभी लगा कि ये नहीं मिली तो मर जाऊंगा, ये नहीं मिली तो मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा, मैं कुछ नहीं हूँ इसके अलावा? तो बोला कि नहीं, मैंने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, तो लेकिन वेद पढ़ा है, पुराण पढ़े, लेकिन मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो वो बोले कि ठीक है, पर मैं तुम्हें परमात्मा से नहीं मिलवा सकता, क्योंकि जो इससे नहीं गुजरा वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। तो शायद इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे डिवाइन की जर्नी है एक्चुअली में, है ना। डिवाइन ये जर्नी है पेशेंस की, पेशेंस के साथ चलने की, है ना। ये एक जर्नी है जिसमें हमें एक ही लाइफ में सती से पार्वती बनना है ना। सती इम्पेशेंस थी, माँ पार्वती में पेशेंस था, तो वो पेशेंस हमें सीखना है। और ये भगवान की कृपा है ना कि उन्होंने हमें माँ जैसे, सर जैसे गाइड करने वाले हमारे गुरु, टीचर्स, मेंटर्स दिए हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे लिए सब कुछ इजी बनाते हैं, तभी तो ये जर्नी हम पूरी कर पाए हैं। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और थैंक यू सो मच आप लोगों की विशेस के लिए, आपकी दुआओं के लिए। हम सब जो एक दूसरे के लिए हमेशा करते हैं, ये सब कुछ उन दुआओं से ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।